आज मेरा 10वां दिन है, 10वें दिन ना मैम ने मेरी ना पट्टियों भी खोल दी, तो मैं जब अपने नाक को देखा इतना ज़्यादा खुश हुआ ना, आप देख के मतलब जज भी नहीं कर सकते कि इतना ज़्यादा सुंदर नाक बनाया मैम ने। मैं मैम से सर्जरी करवा के इतना ज़्यादा खुश हुआ ना, और जब मैंने घर वालों को वीडियो कॉल की तो घर वाले इतने ज़्यादा खुश हुए, और वो तो पहचान ही नहीं रहे थे कि हमारा तो लड़के नहीं है, मतलब हमारे मेरे से ज़्यादा तो मेरे घर वाले खुश हुए। जो मैम ने मेरा काम किया ना, सच में रूह खुश होगी, मतलब जो मेरे पैसे लगे मुझे लग ही नहीं रहा भी हाँ मैंने पैसे खराब कर दिए या कुछ भी, लग रहा है भी इससे ज़्यादा तो कुछ हो ही नहीं जाता, क्योंकि मैंने इतनी दवाइयों में पैसे खराब किए, इतना कुछ किया, मेरी सारी दवाइयाँ छूट गई, मुझे जो सांस लेने में प्रॉब्लम आती थी बिल्कुल ठीक हो गई, दूसरे दिन ही तीसरे दिन ही इतनी अच्छे से सांस आने लगी। मैं शुक्रिया करता हूँ मैम का भी, हाँ मैम ने इतना अच्छा काम किया, और दिल से आभारी हूँ मैम का। और स्टाफ इनका इतना अच्छा है ना कि इनके स्टाफ जैसा तो मैंने आज तक कसम से, मैं इतने हॉस्पिटलों में गया हूँ ना, मेरे डैडी बीमार थे, इतना अच्छा स्टाफ तो जिंदगी में नहीं कभी देखा। आप एक बार आके विजिट करके देखो, आपको पता चल जाएगा भी मैंने कोई भी बात झूठ नहीं बोली। इसको भी कम बिल्कुल लाइन मतलब लाइन में करना, तो इसमें इसको हम अंदर करते हैं, ठीक है? ओके, हाँ जी, इसको अंदर करते हैं। हाँ, इसको अंदर कर देंगे, ये हड्डी ज्यादा बाहर निकली है कंपैरेटिवली इस हड्डी से, तो इसको बिल्कुल अंदर कर देंगे, और इसको ये जो हम है इसको रेस्ट कर देंगे, ये जो कार्टिलेज है इसको हम टिप को शार्प टिप बनाएंगे, ठीक है? यही चाहिए ना फोर कुछ, इसके अलावा ये जो हम पे इसको रैस्प करके एकदम शार्प नोज चाहिए, ताकि फोटो में ये ना लगे। लेकिन स्टार्टिंग में ये आप याद रखना है, जब हम सर्जरी करते हैं, जैसे बोन को हम यहाँ से पतला करेंगे, स्टार्टिंग में तो पतली लगेगी, लेकिन 3-4 महीने में ये सूजना शुरू होगी, तो परेशान नहीं होना कि मैंने सर्जरी कराई ये अभी, तो है ना? तो वो आपकी वीडियो देख के सारा कुछ समझ के फिर ही हम 2 महीने बाद थोड़ा सा सूजना आएगी, उसके बाद 6-7 महीने तक नॉर्मल होगा जाके। हाँ, और 1 साल में एकदम सुंदर रिजल्ट, ठीक है? परफेक्ट, ऊपर करो, ठीक है?
हाय एवरीवन, आई एम सुखविंदर फ्रॉम पंजाब। और जब मैं बचपन में स्कूल में होता था ना, तब मेरे ना नाक पे चोट लग गई थी, जिसकी वजह से ना मेरा नाक थोड़ा सा ब्रॉड हो गया था, जैसे मोटा हो गया था। और उसकी वजह से ना मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम आने लगी थी। तो उस वक्त तो मैं कुछ कर नहीं पाता सकता था, तो वैसे डॉक्टरों से मतलब सजेस्ट लिया था, तो डॉक्टर बोले कि ना जी सर्जरी करनी पड़ेगी। तो तब इतने पैसे भी नहीं होते थे और घर वाले भी डरते थे सर्जरी करवाने से, भी अगर कोई बात हो गई है ना, या कोई नाक में कुछ हो गया तो इसकी लाइफ ख़राब हो जाएगी। तो उसी वजह से ना जब मैं दिल्ली में आया, तो मेरे दोस्त दिल्ली में रहते थे, मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने ना मैम के बारे में बताया, और मैंने यूट्यूब पर भी सर्च किया मैम के बारे में। और जब मैं ना आज से 4 साल पहले जब मैम के पास आया, तो मैम से बात की, तो मैम ने मुझे बताया भी हाँ ऐसे ऐसे करके ऐसे होगा। तो मैम इतने फ्रेंडली सभी से बात करती है ना, कि आप बात करके सारा कुछ समझा सकते हो मैम को, भी मैं ऐसा नाक चाहता हूँ या ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो मैम सारा कुछ समझती है और सारी बात अच्छे से समझाती भी है। तो उस वक्त बात क्या थी कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, तो उसी वजह से ना मैंने सोचा भी हाँ मैम ज़्यादा पैसे ले रही है, इसी वजह से ना मैंने और कहीं पता किया। जब और कहीं पता किया तो वहाँ पता चला कि ना वही नाक ठीक करने के 50 से 70 हज़ार रुपया ले रहे हैं। पर बात क्या थी कि ना मैंने जब उनका रिजल्ट देखा, तो बहुत सारे लोग ना कमेंट में इतने गंदे कमेंट कर रहे थे भी हाँ उनकी वजह से ना उनका नाक इतना ख़राब हो चुका था कि ना ही तो वो कोई और बंदा ठीक कर पा रहा था, और ना ही दोबारा सर्जरी हो सकती थी उसकी। तो बात क्या थी कि मैं मेरे दिल में बैठ गया था भी हाँ अगर करवानी है तो मैम से करवानी है, चाहे 2 साल लग जाएँ चाहे 3 साल। तो मैंने पैसे इन्वेस्ट करने स्टार्ट कर दिए, सेव करने। तो जैसे मेरे पास पूरे पैसे हुए, 4 साल के बाद मैं सीधा मैम के पास आया और मैम को बोला, मैम आज से 4 साल पहले मैं आपके पास आया था, आप सर्च कर लीजिए। मैम के पास पूरा रिकॉर्ड मेरा पड़ा था, मैम ने सर्च किया और देखा हाँ अभी हाँ तुम मेरे पास आए थे, तो मैम ने थोड़ा बहुत मुझे डिस्काउंट भी दिया। और मैम ने जब मेरी सर्जरी करनी स्टार्ट की, तो मैं इतना ज़्यादा खुश था कि मुझे नर्वस फील हुआ ही नहीं, जैसे डर नहीं लगता किसी को सर्जरी करवाने से, तो वैसा तो कुछ डर है ही नहीं थी मेरे मन में। तो मैम ने बोला भी चलो करते हैं। तो मैम ने एक इंजेक्शन लगाया, वैसे मैम बोले कि हाँ देखो ये इंजेक्शन ना सिर्फ आपको ना चेक करने के लिए है भी हाँ पेन होती है या नहीं, पर वो असल में जो इंजेक्शन था वो ना पेन का था भी हाँ बेहोशी का था। तो उस इंजेक्शन से ना मैं बेहोश हो गया और सीधा 9 घंटे के बाद उठा जब मेरी सर्जरी हो चुकी थी, और मुझे पता भी नहीं चला, बिल्कुल ही नहीं पेन हुआ जब मेरी सर्जरी हुई। तो उसके बाद कम से कम 7-8 दिन निकले, 7-8 दिन के बाद मेरे टांके खुले। टांके खुलने के बाद आज मेरा 10वां दिन है, 10वें दिन ना मैम ने मेरी ना पट्टियों भी खोल दी। तो मैं जब अपने नाक को देखा इतना ज़्यादा खुश हुआ ना, कि जैसे मुझे लगता था भी हाँ इससे भी मतलब कम सोचता था भी हाँ इससे थोड़ा सा कम निकलेगा ना नाक, आप देख के मतलब जज भी नहीं कर सकते कि इतना ज़्यादा सुंदर नाक बनाया मैम ने। और जेब नहीं सोच सकता कोई भी हाँ मेरी सर्जरी हुई है, किसी से भी मैं बात करूंगा ना तो मुझे पता है भी हाँ कोई ये बात नहीं बोलेगा भी हाँ आपने सर्जरी करवाई, क्योंकि बहुत अच्छे से मैम ने की है। तो मैम इतने फ्रेंडली थे कि मैं मैम से सर्जरी करवा के इतना ज़्यादा खुश हुआ ना। और जब मैंने घर वालों को वीडियो कॉल की, तो घर वाले इतने ज़्यादा खुश हुए, और वो तो पहचान ही नहीं रहे थे कि हमारा तो लड़के ही नहीं है, मतलब मेरे से ज़्यादा तो मेरे घर वाले खुश हुए। तो इसी वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने जो 4 साल वेट किया ना, उसका फल मुझे बहुत अच्छा मिला। जो मैम ने मेरा काम किया ना, सच में रूह खुश होगी, मतलब जो मेरे पैसे लगे मुझे लग ही नहीं रहा भी हाँ मैंने पैसे ख़राब कर दिए या कुछ भी, लग रहा है भी इससे ज़्यादा तो कुछ हो ही नहीं जाता, क्योंकि मैंने इतनी दवाइयों में पैसे ख़राब किए, इतना कुछ किया, मेरी सारी दवाइयाँ सूट गई, मुझे जो सांस लेने में प्रॉब्लम आती थी बिल्कुल ठीक हो गई, दूसरे दिन ही तीसरे दिन ही इतनी अच्छे से सांस आने लगी। और मैं कोई भी किसी दवा में आके नहीं बात कर रहा, आप ना मेरी बिफोर आफ्टर की फ़ोटो देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा भी मुझे कसम से सच में मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम आती थी, और अभी इतना मतलब खुश हूँ ना मैं भी हाँ मुझे सांस लेने में भी प्रॉब्लम नहीं आती, और मेरा नाक इतना अच्छा मतलब बन चुका है ना कि क्या बोलूँगा आपको भी हाँ इतना ज़्यादा खुश हूँ ना कसम से, कि मैं शुक्रिया करता हूँ मैम का भी हाँ मैम ने इतना अच्छा काम किया, और दिल से आभारी हूँ मैम का। और स्टाफ इनका इतना अच्छा है ना कि इनके स्टाफ जैसा तो मैंने आज तक कसम से, मैं इतने हॉस्पिटलों में गया हूँ ना, मेरे डैडी बीमार थे, इतना अच्छा स्टाफ तो ज़िंदगी में नहीं कभी देखा। जो भी आपको जहाँ मिलेंगे ना, इतने फ्रेंडली तरीके से मिलेंगे, आप सोचोगे नहीं भी हाँ आपको पहली बार मिले हो, मतलब आप एक बार आके विजिट करके देखो, आपको पता चल जाएगा भी मैंने कोई भी बात झूठ नहीं बोली।
For more information, call on these numbers. Our managers would be happy to assist you. And if you want to know about the prices, please visit our website, our Insta page, and check the results of our patients.